आगे बढ़ेंगे। गोंडा से बड़ी और अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर दबंगों की दबंगई देखने को मिला है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे, गोंडा में दबंगों की खौफनाक करतूत, महिला को मिट्टी तेल डालकर आग के हवाले कर दिया। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां पर गोंडा से बड़ी खबर, दबंगों की दबंगई देखने को मिला है। गोंडा में दबंगों की खौफनाक करतूत सामने आई, जहां पर दबंगों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। महिला पर मिट्टी का तेल छिड़क कर उन्हें आग के हवाले कर दिया। गंभीर अवस्था में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने लखनऊ रेफर कर दिया है। महिला के बयान पर दबंगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। गोंडा से बड़ी खबर, बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर गोंडा में दबंगों की खौफनाक करतूत, दबंगों को पुलिस का कोई भी खौफ नहीं है। महिला को मिट्टी का तेल डालकर जलाने की कोशिश की गई। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर गोंडा से ये बड़ी खबर है, दबंगों की खौफनाक करतूत, महिला पर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। गंभीर अवस्था में महिला जिला अस्पताल में भर्ती कराई गई, जहां पर उसके हालात को देखते हुए डॉक्टरों ने लखनऊ रेफर कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने दबंगों के खिलाफ सोमवार को रात 11 बजे मामला हुआ। क्या मामला था? ये सोच के लिए बाहर गई थी सर, तो कुछ दबंगों द्वारा जो है इनके ऊपर क्रोसीन डाल करके और जला दिया गया। अच्छा, उसके बाद कहाँ, कौन सा अस्पताल लेके गए? उसके बाद जिला हॉस्पिटल लेके गए सर। वहाँ से फिर लखनऊ रेफर होके आए हैं सर। अच्छा, आपने पुलिस को इसकी सूचना दी है? हाँ जी, पुलिस को सूचना दी थी। 1 मार्च 2021 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में बेनी नगर खैरा नाम के गाँव में एक 50 वर्षीय महिला के जलने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और उनके परिजनों से बातचीत की गई। उस समय जो महिला, जो घायल महिला थी, वो बोलने की हालत में नहीं थी। उन्हें इलाज के लिए लखनऊ भेज दिया गया था। उनके परिजनों ने अज्ञात के विरुद्ध तहरीर दी थी। तत्काल उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया, उसकी विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। उस समय उनके परिजनों, आसपास के क्षेत्र के कई लोगों से पूछताछ की गई, किसी ने नहीं बताया कि ये घटना किनके द्वारा कारित की गई है। आज ये बात प्रकाश में आई है कि उनके द्वारा कुछ लोगों के नाम इसमें अंकित किए गए हैं। तत्काल निर्देशित किया गया कि उन नामों को विवेचना में शामिल करते हुए उनके विरुद्ध अगर कोई। तो फिलहाल महिला के बयान को दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो गोंडा से ये बड़ी खबर है, जहां पर दबंगों की खौफनाक करतूत देखने को मिली है। दबंगों का पुलिस का कोई भी खौफ नजर नहीं आ रहा है। महिला के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर उसके आग के हवाले कर दिया। गंभीर अवस्था में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसकी हालत को देखते हुए लखनऊ रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच में जुट गई है और मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो गोंडा से ये बड़ी खबर है, जहां पर दबंगों की खौफनाक करतूत देखने को मिली है। महिला के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर उसे आग के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। महिला के बयान के आधार पर पुलिस जांच कर रही है और सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। महिला की हालत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उन्हें डॉक्टरों ने फिलहाल लखनऊ रेफर कर दिया है। वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनुराग हमारे साथ गोंडा से जुड़ गए हैं। अनुराग, क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों दबंगों ने महिला पर मिट्टी का तेल छिड़का, क्या विवाद था? जी, हम दर्शकों को बता दें कि कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत का मामला है, जो 50 वर्षीय एक महिला है जो शौच के लिए गई थी और दबंगों से कुछ उसका पारिवारिक कलह सामने आ रही है। फिलहाल उस महिला को शौच के लिए जाते समय तीन दबंगों ने मिट्टी तेल डालकर जलाने का आरोप है और उसके बाद आनंद फानंद में परिजनों ने उस महिला को जिला अस्पताल में एडमिट किया और उसकी स्थिति गंभीर देखते हुए उसको डॉक्टरों ने लखनऊ रेफर कर दिया। महिला लगभग 60% से ज्यादा जली हुई है और उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई। कल वो जब महिला होश में आई है तो उसने परिजनों को आपबीती बताई, जिसके बाद उसने तीन लोगों का नाम लिया है, छोटे बाबू और छोटू और एक तीन सहित एक अन्य लोग हैं, जिसमें तीन दबंग हैं जिन्होंने
महिला को जलाने का आरोप महिला ने लगाया है। अब पुलिस ने इस मामले में महिला के परिजनों के तहरीर पर भी पहले तो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, और अब जो महिला ने तीन नाम बताए हैं अब उन नामों को शामिल करके पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। लेकिन सरकार भले ही मिशन शक्ति के अभियान चलाकर महिलाओं को जागरूक और सुरक्षा देने के दावे कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से दबंग इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं इतनी बड़ी घटना से। अब फिलहाल महिला की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्या उनके हालात में कोई सुधार देखा गया है? नहीं, महिला की स्थिति गंभीर है। महिला लखनऊ में उसका इलाज चल रहा है, वो 60% से ज्यादा जली हुई है, तो कहीं ना कहीं अभी उसकी स्थिति गंभीर है और उसके जान को भी कभी कभी खतरा बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल लखनऊ में इलाज चल रहा है और डॉक्टर अभी इलाज कर रहे हैं, तो आने वाला समय अगले 24 घंटे के बाद ही पता चल पाएगा कि महिला की स्थिति में कितनी सुधार हो पाती है या महिला बच पाती है या अभी नहीं बच पाएगी। फिलहाल डॉक्टर लगे हुए हैं, महिला का इलाज लखनऊ में चल रहा है। चलिए अनुराग, तमाम